लोकसभा चुनाव हरियाणा के अंदर 25 मई को होना है। लगातार प्रचार चल रहा है। हम कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर मौजूद हैं और कुरुक्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर उद्योगपति नवीन जिंदल चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ उनकी माताजी सावित्री जिंदल जी हैं, पूर्व में मंत्री रही हैं हरियाणा सरकार के अंदर और एक लंबा समय कांग्रेस में भी बिताया है, अब भारतीय जनता पार्टी में है। हम बात करेंगे, आपका स्वागत है न्यूज 18 पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा कि आपका एक लंबा समय कांग्रेस में रहा और अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं और नवीन जी चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे महसूस हो रहा है आपको? देखिए, जब शुरू में जिंदल साहब चुनाव लड़े थे तो विकास पार्टी और भाजपा का गठबंधन था, तो इसलिए कोई नई पार्टी हमारे लिए नहीं है। राजनीति राजनीति है, तो इसमें आ गए। अब हमारे लिए अच्छा है इसके अंदर भी कि मोदी जी की जो विकसित भारत का सपना है उसको नवीन मिलकर साकार करवाएगा। लगातार मुख्यमंत्री भी यही बात कहते हुए नजर आते हैं। जब नायब सैनी जी से पूछते हैं कि ओम प्रकाश जिंदल जी तो हमारे ही थे, हमारे साथ ही थे, वो बीच में कहीं चले गए थे, फिर हमारे साथ आ गए हैं। तो शुरुआत की जो जिस तरह से थी, तो फिर इसका मतलब नई चीज नहीं हुई ना कि बिल्कुल नहीं है हमारे लिए। जब उस समय चुनाव लड़े थे तो फिर से आ गए, अपने घर में वापस आ गए। दो बार यहां से सांसद भी रहे नवीन जी, कांग्रेस की टिकट पर रहे सांसद, अब भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वर्कर्स के बीच में आप जाती हैं, आप भी जाकर के लोगों से मिलती हैं, कैसा रेस्पॉन्स मिलता है, कैसा क्या कहते हैं लोग? देखिए, हमारा जब 96 में जिंदल साहब चुनाव लड़े थे तो उस समय से हमारा ये घर है कुरुक्षेत्र, और फिर दो बार नवीन ने चुनाव लड़ा 2004 और 2009 में, तो पूरा परिवार की तरह से हमारा अपना है। तो इसलिए जहाँ भी जाके बात करते हैं कि आपका बेटा आपका भाई चुनाव लड़ रहा है, तो सब लोग बिल्कुल साथ देने की बात करते हैं और सबको बहुत अच्छा लग रहा है। सब बोलते हैं कि हाँ हमारा भाई आया, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो सब मदद कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, और भगवान करे मतलब जितना जिससे चाहते हैं कि बहुत अच्छी जीत हो। तो आने वाली 25 तारीख को सभी लोग अपना अपना वोट कमल के फूल के निशान के सामने वाले बटन को दबाकर अपने भाई को विजयी बनाएंगे। पिछले 5 साल की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं राजनीति से दूर रहे, आप भी दूर रहे क्योंकि पिछला चुनाव नहीं लड़ा, नवीन जी भी दूर रहे, उन्होंने भी चुनाव नहीं लड़ा, तो क्या कारण रहा कि राजनीति से दूर हो गए थे आप लोग? देखिए, राजनीति से दूर हो गए थे, लेकिन राजनीति को हम लोगों ने जनसेवा का माध्यम बनाया हुआ है, तो जनसेवा तो हम लोग उसी तरह से कर रहे थे। अपने राजनीति में नहीं थे लेकिन हमारी जनसेवा तो उसी तरह से चालू थी, इसलिए हमें कोई मतलब राजनीति और उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। लग रहा था कि हम उसी तरह से अपने काम कर रहे हैं। अभी नवीन जी अब चुनाव लड़ रहे हैं, सावित्री जिंदल भी अगला चुनाव विधानसभा का कोई लड़ती हुई नजर आ सकती हैं? अभी तो पहले तो नवीन का चुनाव है, ये हो जाए अच्छी तरह से, बाद की बात में देखेंगे क्या होगा। अगर सामाजिक रूप से बात करें तो कहीं ना कहीं देश की सबसे अमीर महिलाओं में आपकी एक गिनती होती है कि उनमें से एक आप हैं। अब आम लोगों के बीच में जाना पड़ता है, कैसा महसूस होता है? क्योंकि आम लोग कहीं, जैसे हम नवीन जी से भी बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कोई हाथ पकड़ता है, कोई अपनी तरफ ले जाता है, कभी किसी से मिलते हैं, आपको कैसा महसूस होता है क्योंकि आपका एक लंबा संघर्ष भरा जीवन रहा है? नहीं, सबसे देखिए, जब अपनापन होता है तो कोई हाथ पकड़ता है, कोई गले मिलता है, तो उसमें कोई खराब नहीं लगता, सबसे अच्छा लगता है क्योंकि अपनापन समझ के वो कर रहे हैं, तो मुझे कभी भी कोई बात का महसूस नहीं होता, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिंदल साहब ने बड़ा संघर्ष किया था और संघर्ष करके एक मुकाम को छुआ था, आप कुछ बता सकते हैं कि कहाँ से जिंदल साहब ने संघर्ष शुरू किया और फिर इस मुकाम के ऊपर आए? ठीक, सही बात है, शुरू से जिंदल साहब ने बहुत संघर्ष किया और संघर्ष के साथ साथ उन्होंने ईमानदारी और मेहनत बहुत की, तो उनकी ईमानदारी और मेहनत का ही नतीजा है कि उनके बच्चे भगवान की कृपा से सब ठीक हैं, सारे अच्छी तरह से उनके नक्शे कदमों पर चलकर अपने कामकाज को आगे बढ़ा रहे हैं और अपने डैडी का नाम भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो सभी जो आपके चारों बेटे हैं, सबसे संपर्क रहता है या राजनीति में आने के बाद अब अलग अलग हो गए हैं कहीं ना कहीं? नहीं, सबसे सबका संपर्क रहता है, सब पास पास में रहते हैं। दिल्ली में 3 बेटे रहते हैं, एक बेटा बॉम्बे रहता है, तो हम लोग सब मिलते जुलते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब इकट्ठे हैं, सब मिलते जुलते रहते हैं, रोज का मिलना है, तो बहुत अच्छा लगता है कि अपने परिवार से जब आदमी दूर हो जाता है तो अलग बात हो जाती है। मेरा परिवार सारा इकट्ठा है, साथ में है हम लोग सब। परिवार में जब बैठते हैं तो कभी आप भी खाना बनाते हैं, कभी कोई ऐसे चाय बनाते हैं, कोई, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि एक उद्योगपति घराने की महिला है और आज जो की गिनती होती है आपकी, देश की टॉप महिलाओं में गिनती होती है, ऐसा करते हैं घर का काम आप भी? घर का काम इन दिनों तो कम करने का काम पड़ा है, लेकिन पहले तो मैं सारा खाना खुद बनाती थी, तो इसलिए काम करने में कोई भी आलस नहीं है। जब कोरोना का टाइम था उस समय हम लोग बनाते थे खाना अपना,
क्योंकि सर्वेंट वगैरह उस समय जब बीमार हो गए थे तब करते थे, इसलिए कभी बनाना पड़े तो बना सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई आलस भी नहीं आता, सब ठीक है। हिसार में कितना प्रभाव देखते हैं, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर वहां से रणजीत चौटाला लड़ रहे हैं, आप वहां भी प्रचार के लिए गए? देखिए, मैंने तो आपको बताया कि हिसार भी मेरा घर है, मेरे परिवार के सदस्य हैं सारे, तो मैं अपने परिवार से जाके कह रही हूँ कि बीजेपी के रणजीत सिंह चौटाला जी खड़े हैं तो वो लोग सब उनको अच्छी तरह से बहुत भारी बहुमत से जिताएंगे हिसार से भी, क्योंकि हिसार के लोग भी सब मुझे मतलब अपने, हम लोग सारे आपस में एक दूसरे को परिवार का सदस्य मानते हैं, तो मेरे परिवार के सब हैं, मेरे बच्चे हैं सारे, भाई हैं, बहन हैं, तो बहुत अच्छी तरह से करके उनको भी जिताएंगे। आप पूर्व में मंत्री रही हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के अंदर, बड़े क्लोज संबंध रहे आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो परिवार है उनके साथ, आपके परिवार के, क्या कारण रहा कि अब वहां से, क्योंकि वो आज भी कहते हैं कि हमारे आज भी संबंध है? बिल्कुल, आज भी हमारे उसी तरह से संबंध है, संबंध जब होते हैं तो खराब थोड़ी होते हैं, हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, और मुझे तो जो राजनीति सिखाई सारी हुड्डा जी ने सिखाई थी, मैं तो बिल्कुल उस समय अनजान थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था, तो बहुत अच्छे संबंध है और अच्छे संबंध रहेंगे, ये दो पार्टियां अलग अलग होने से मन और ये संबंध अलग अलग नहीं हो जाते, संबंध वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे। कैसे देखते हैं देश भर में मोदी जी की लहर को, 400 पार का नारा अब की बार दिया है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने कैंडिडेट उतारे हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबने अपनी तरह से बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट चुन के उतारे हैं कि जो अच्छी तरह से जीत सकें, अब कौन कितनी सीट लेके जाएगा इतना तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन बहुत अच्छा, दोनों तरफ से बहुत अच्छा रहेगा, हम लोग चाहते हैं कि हमारी वाली ज्यादा जीतें और कांग्रेस बोल रहे हैं कि उनकी ज्यादा जीतेंगी, तो लेकिन अच्छा रहेगा, दोनों का अच्छा रहेगा। पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी कहते हैं कि मेरी बहन है और वो आ गई है अब इसके अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमें बड़ी मजबूती मिली है। बिल्कुल ठीक बात है, जहां भी जाएंगे तो वहां पर अच्छा ही करेंगे, अपना सबके साथ मिलके प्यार से ही करेंगे, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि जब इस तरह की बात होगी, भाई भाई मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, एक बहन को अगर भाई मिलता है तो बहुत खुशी होती है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मैं जो वो कहेंगे जिस तरह से कहेंगे मैं बिल्कुल उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगी, हरियाणा के हित में, देश के हित में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जब यहाँ से चुनाव लड़े नवीन जिंदल, कुछ आरोप भी उन पर लगे कि कोई घोटाले के कुछ आरोप लगे, कुछ और लगे, कैसे देखते हैं आप अब इस समय के अंदर उसको? देखिए, जो बोलता है बोलने वाले की कोई जवान नहीं पकड़ सकता, लेकिन अगर ऐसी कोई भी बात होती तो सबके सामने आ जाती, ऐसी कोई भी बात नहीं है, तभी मोदी जी ने अपना कमल के फूल का निशान देकर, अपना आशीर्वाद देकर उनको भेजा है, टिकट दी है, और अब चुनाव जीत जाएंगे तो सारी बात मतलब उसमें ठीक हो जाएंगी, कोई बात ही नहीं है, क्योंकि लोग कुछ भी बोल सकते हैं, जब कोई बोलने लगता है तो आप उसको कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो मर्जी आए बोलने दीजिए, बोलने की कोई बात नहीं है। आखिरी सवाल है मेरा कि जो आपके कार्यकर्ता थे आपके साथ जुड़े हुए थे, कांग्रेस में लंबा लंबा समय उन्होंने बिताया है, अब वो एकदम आप भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, क्या कंफर्टेबल हैं वो कार्यकर्ता आपके साथ? अब मेरे साथ बिल्कुल कंफर्टेबल, मैंने आपको बताया ना कि मेरे सारे परिवार के सदस्य हैं, मेरा पूरा मेरा घर है हिसार, मेरे परिवार के सदस्य हैं, तो सब लोग एक ही बात बोलते हैं कि जहां आप वहां हम, तो हम लोग सब इकट्ठे हैं, पार्टी वाली कोई बात नहीं है, हम सब इकट्ठे हैं। और यहाँ आपका ही कैंडिडेट खड़ा है, आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा है सुशील गुप्ता, वो भी कहीं ना कहीं परिवार से एसोसिएट रहे, तो उनको कैसे देखते हैं? देखिए, वो दो पार्टी अलग अलग हो गई, अब मैं तो अपने बेटे के लिए करूंगी, तो बाकी मुझे उनसे भी कोई मतलब बात नहीं है, जिस तरह से वो करें अपना करें, लेकिन ठीक है। धन्यवाद जी। तो ये थी हमारे साथ सावित्री जिंदल, जो कि नवीन जिंदल की माता जी हैं, कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, और खुल करके उन्होंने हर बात का जवाब दिया है, और आप देख सकते हैं कि कितनी सिंपल तरीके से, सिंपल रहती हुई हैं वो, और सिंपल तरीके से जवाब भी उन्होंने बड़े आसान तरीके से हर सवाल का जवाब दिया है, और जो बात उन्होंने कही है कि 10 की 10 लोकसभा की सीटें हैं, नरेंद्र मोदी जो है कमल का फूल अब की बार फिर से खिलेगा, यहां कुरुक्षेत्र के अंदर भी खिलेगा, और 10 की 10 सीटें जो हरियाणा के अंदर भी जीतेंगे। कैमरामैन अमन के साथ अंकित दुदानी, न्यूज 18 कुरुक्षेत्र।